सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 और आज की वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग ने हमें यहाँ पे क्या क्या न्यू एक्साइटिंग फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। वैसे तो पहले भी मैं बना चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 के बारे में वीडियोस, लेकिन तब जो थी वो अनऑफिशियल अनाउंसमेंट पे वीडियोस बेस्ड थी, लेकिन अब क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है और अगर आप इसके प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको अमेजोन से इसके डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 10.4 इंचेस की स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पे फ्रंट साइड पे सिंगल कैमराज का सेटअप है और बैक साइड पे भी सिंगल कैमरा ही आपको प्रोवाइड किया गया, मतलब फ्रंट और बैक दोनों ही साइड पे सिंगल सिंगल कैमराज का सेटअप है। अगर हम कैमरा मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का और जो बैक कैमरा आपको प्रोवाइड किया गया है वो है 8 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जो दोनों कैमराज हैं उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा आपको आउट क्लास प्रोवाइड की गई है, लेकिन अगर आप फिर भी वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए लेते हैं ये टैब तो आप 1080p में इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बैक आपको जो बिल्टिन मिल रही है वो है मेटल बैक, जो कि बहुत ज़्यादा आपको ऑसम लुक प्रोवाइड कर रही है। ओवरऑल इस टाइप की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और ऑसम लुक है। अब यहाँ पे आपको जो रैम प्रोवाइड की गई है वो है 3GB और साथ जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 32GB। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता कि अगर आपको प्रोवाइड की जाती 64GB या 128GB इंटरनल स्टोरेज, लेकिन यहाँ पे जो 32GB है वो भी ओवरऑल बस ठीक ही आपको इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बैटरीज की एक्साइटिंग प्रोवाइड की गई है, अगर आप ट्रैवलर वगैरह हैं तो आपके लिए ये टैब बहुत ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे बैटरी प्रोवाइड की जा रही है वो है 7100 mAh की बैटरी और साथ जो आपको चार्जर प्रोवाइड किया गया है वो है 15W का, यानी अगर आप एक रात लगा देंगे इस टैब को चार्जिंग पे तो सुबह तक ये चार्ज हो जाएगा। जी हाँ, चार्जिंग आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्लो प्रोवाइड की गई है, लेकिन एक दफ़ा जब आपने इसको चार्ज कर लिया तो इसकी जो चार्जिंग होगी वो एकदम बीस्ट होने जा रही है। इसकी जो बैटरी टाइमिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, थोड़ा सा बैटरी में इसकी प्रॉब्लम आएगा, मतलब चार्ज काफ़ी ज़्यादा देर से होगी। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं गेमिंग के लिए कोई भी डिवाइस तो आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे उसके चिपसेट को, तो आपको जो चिपसेट प्रोवाइड किया गया है वो है स्क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 जो कि बेस्ड है 11 नैनोमीटर्स पे। तो हाँ, गेमिंग के लिए ये टैब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये टैब उतना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप ये टैब लेते हैं डे टू डे यूज़ के लिए, पर्सनल यूजेज के लिए, आप सोशल मीडिया या वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए लेते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ऐसी लुक और आपको ऐसे स्पेसिफिकेशन अभी तक इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, जो कि अगर आप इंडियन मार्केट में प्री ऑर्डर करते हैं ये तो आपको 18,000 की प्राइस रेंज में ये मिल जाएगा। आप अमेजोन से भी जाके इसकी प्री ऑर्डरिंग कर सकते हैं। अब तो हमने बात कर ली इसके प्रोज के बारे में, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। इस टैब की जो बुरी बातें हैं वो ये हैं कि आपको कोई भी फिंगरप्रिंट प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको फेस आईडी का स्पॉट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट फेस आईडी प्रोवाइड की जाती, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया, जो कि ठीक है क्योंकि टैबलेट्स में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता फिंगरप्रिंट, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। ओवरऑल इस टैबलेट की अगर मैं पर्सनल रिव्यू के बारे में बात करूँ तो 18,000 की प्राइस रेंज में ये टैब काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी रखी गई है जो टैब की लुक है उसको, बैटरी को, और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे आपको दो मॉडल्स मिल रहे हैं इस टैब में, एक है SMT500 जो कि है वाईफाई मॉडल, मतलब सिर्फ वाईफाई आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और एक है SMT505 जो कि सिम मॉडल है, मतलब आप उसमें नैनो सिम भी सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आप सिम वगैरह चलाना चाहते हैं तो नैनो सिम का भी सपोर्ट है SMT505 से, दोनों ही आप दराज से जाके प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।